गाड़ियाँ आरटीओ साहब ने बंद करी थी और वो हमारे यहाँ गाड़ियाँ बंद होती हैं, या जब आरटीओ साहब किसी भी गाड़ी को या ओवरलोड वाहन को पकड़ के यहाँ अंदर बंद कर देते हैं यार्ड है। सिर्फ हमारा काम है उनसे पार्किंग फीस लेना। आरटीओ साहब ने जब ये गाड़ियाँ बंद करी हैं, तीन गाड़ियाँ थी, एक तो थी यूपी 85 है, चलिए 81212 है, एक है यूपी नंबर, ये यूपी 85 है, वो 81 दिख है, 4016 है, एक है 4016-24 है, कुछ ऐसा कुछ एक गाड़ी उसका नंबर हमने FIR में लिखवा रखा है। ये तीन गाड़ियाँ ने क्या काम करा, जो दस्तावेज थे वो नकली दस्तावेज यहाँ पेश करके और अपना चलान ये दिखा दिया, हम RTO को अपना जुर्माना भर के आ गए हैं, ये गाड़ियाँ हमने छुड़ा ली हैं। तो रोडवेज के जो यहाँ कर्मचारी थे हमारे यार्ड में, उन्होंने सिर्फ कागज़ देके और उन्होंने फोटोकॉपी लेके वो एक कॉपी अपने पास रख ली और वो गाड़ियाँ छोड़ दी। तो हमें पता जैसे ही लगा, GM साहब ने हमने टीम ने मिल के ये पता लगाया जब हमको, अब ये गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ फर्जी दस्तावेजों से छूटी हैं, गुप्त रूप से जब हमें सूचना लगी तो हमने RTO साहब के साथ में मीटिंग करी। मीटिंग के तहत हमने जो पकड़ने का अभियान चलाया और उस अभियान के बीच में ये हमारे हाथ एक गाड़ियाँ लगी जिसका नंबर जो अंदर खड़ी है, जो 4016 नंबर गाड़ी है वो अंदर खड़ी हुई है। तो ये हैं जी, बाकी दो गाड़ियाँ हमने उसका मुकदमा दर्ज करा दिया RTO से, कागज़ चेक करा के अगर ये असली है कि नकली है, तो वहाँ से वो फर्जीवाड़ा पाया गया है। तो RTO साहब ने जब ये कह दिया कि ये गाड़ियाँ दस्तावेज नकली हैं चलान के, तो फिर हमने सिटी बल्लभगढ़ में ये मुकदमा दर्ज करा दिया है। एक गाड़ी तो हमारे पास है, दो गाड़ी अभी भी हमारे यहाँ से फरार है। हाँ, यूपी नंबर की हैं। तो ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं, इको भी आपको अंदर खड़ी हैं, कहीं किसी पे कुछ लग रहा है, कोई किसी का मार्का लगा के चला रहा है, कोई किसी का मार्का लगा के चला रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज की मौजूदा सरकार से, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए, माननीय परिवहन मंत्री जी हमारे यहाँ घर के हैं, हमारे नज़दीक हैं, और उनकी नाक के तले ऐसा अवैध अभियान चल रहा है, RTO साहब आते हैं गाड़ियाँ भाग जाती हैं रोड पे से, ऐसा कोई मुकम्मल कोई चलाया जाए और रोडवेज की सुविधा को देखते हुए रोडवेज की बसें वहाँ लगाई जाएँ जनता के लिए, ताकि ये प्राइवेट को टाइम ना मिले। तो परिवहन मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रोडवेज के बेड़े में बसें भी बढ़ाएं और ये जो प्राइवेटेशन है इसको कैसे काबू किया जाए, इसके लिए नई रणनीति बनाएं।